इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का है मौजू, लाल किले पर सिख समाज का परचम लहराना। अब इसकी बहस आलमी सतह पर होनी शुरू हुई है। किसान तंजीमों कायदों का कहना है कि इस तशद्दुद को बड़े ही मुनज्जम तरीके से अंजाम दिया गया। मरकजी हुकूमत ने हमेशा की तरह अपने लोगों को भेजकर पूरा अमन जुलूस को तशद्दुद में तब्दील किया, लिहाजा एहतजाज रुकने वाला नहीं है, ऐसा इनका कहना है। कई इल्मी दानिशों का कहना भी यही है कि किसानों का सौदा पहले ही अडानी अंबानी के हाथों मोदी ने कर दिया था, लिहाजा जानबूझकर बातचीत की नौटंकी की गई। तकरीबन 11 बार बातचीत के दौर मुकम्मल किए गए। किसानों का यह भी कहना है कि जब किसानों ने पहले ही कहा था कि हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि तीन काले कानून को रद्द न किया जाए, अडानी अंबानी के हाथों पहले से ही सौदा हो चुका था और अगर कानून पीछे लिया गया तो हुकूमत गिराने की ताकत भी अडानी अंबानी रखते हैं। दरअसल इस देश को सरमाएदार ही चलाते हैं और मोदी शाह इनके हाथ की कठपुतली। अडानी अंबानी और आरएसएस का मिला जुला खेल आखिर 26 जनवरी को जाहिर हो ही गया, ऐसा कहना है। वही दूसरी ओर मीडिया में किसानों की गुंडागर्दी के तौर पर रिपोर्ट पेश की जा रही है। किसान लीडरों ने 26 जनवरी के दिन हुए तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि यह फसाद हुकूमत की जानिब से किया कराया है और खासकर दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया गया कि किसान लीडर राकेश सिंह टिकैत ने बताया कि जब 150 से भी ज्यादा किसान इस एहतजाज में मर चुके हैं। ठिठुरती सर्दी में बुजुर्ग किसान अपनी मांगों पर डटे रहे। मोदी सरकार ये जानती थी कि अगर इसी तरह पुरान तरीके से एहतजाज चलता रहा तो किसान कामयाब होंगे, लिहाजा इस एहतजाज को नाकाम इसी तशद्दुद के सहारे ही किया जा सकता है। लिहाजा तमाम मामले के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार होने की बात कही जा रही। तशद्दुद का जो मरकजी किरदार है वो दीप सिद्धू, इसकी तफसील जारी। आखिर दीप सिद्धू है कौन और इसका इस एहतजाज में क्या किरदार रहा? वैसे भी फूट डालो और हुकूमत करो की सियासत भाजपा बखूबी करती आई है। जब से किसान एहतजाज जारी है इसे किसी तरह नाकाम करने की कोशिश बारहा की गई लेकिन इसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। पूरे मुल्क में वैसे किसानों की जानिब से अगस्त महीने में ही एहतजाज किया गया पर पंजाब हरियाणा यूपी झारखंड बिहार के किसानों ने इस बिल को लेकर सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि अगर 4 साल भी इस बिल के मुखालिफत में एहतजाज करना पड़े तो किया जाएगा। इसी दरमियान सितंबर अक्टूबर में दीप सिद्धू एहतजाज में शरीक हुआ। किसानों के एहतजाज में बयानबाजी के चलते दीप सिद्धू अपनी अलग पहचान बनाने में कुछ हद तक कामयाब जरूर हुआ पर किसान लीडरों ने इससे इसलिए दूरियां अख्तियार की क्योंकि दीप सिद्धू किसानों के काले कानून पर बोलने के बजाय गैर आइनी यानी गैर संवैधानिक मामलों पर ही ज्यादा बोलता दिखाई दिया, लिहाजा किसान कैदों ने इसे दूर किया। वही अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर खालिस्तान लीडर भिंद्रन वाले की तस्वीरें पोस्ट करता रहा जिससे दिगर किसान लीडरों ने भी इसे दूरी अख्तियार कर ली। इसी के चलते दीप सिद्धू ने अपना अलग मंच बना लिया। अब अलग मंच को ही भाजपा और संघीय विचारधारा से प्रेरित साजिश के तहत बनाए जाने की बात कही जा रही है। जब किसानों ने यौम जमहूरिया के मौके पर फौजी परेड के साथ ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही तो किसानों के ट्रैक्टर अपनी राह पर बिल्कुल सही थे। आईटीओ चौराहे पर जो तशद्दुद आंसू गैस के गोले लाठी चार्ज हुई यह पुलिस और हुकूमत की साजिश बताया जा रहा है। इसी जगह पर गोली लगकर नवदीप सिंह जो उत्तराखंड से था मर गया। अब यह मुख्तलिफ राय देखी जाती है कि किसानों का कहना है कि जो लोग लाल किले की तरफ गए वो किसान थे ही नहीं, ने जानबूझकर वहां भेज दिया गया और इसकी कयादत यही दीप सिद्धू कर रहा था। जब लाल किले पर सख्त पहरा रहता है तो यहां पहुंचने कैसे दिया गया? उमूमन दिगर दिनों में भी बिना तफ्तीश के आम लोगों को पहुंचना मुश्किल होता है तो हजारों की भीड़ वहां कैसे पहुंच? कहने का मतलब ट्रैक्टर रैली की इजाजत से ही मामला शक के दायरे में आ जाता है। किसानों का एहतजाज आज भी जारी है। फसाद के लिए 22 FIR किए गए तो किसान कैद राकेश सिंह टिकैत मेगा पाट कर योगेंद्र यादव समेत दिगर 37 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। लाल किले पर चढ़कर सिख समाज और किसानों का परचम लहराने वाले दीप सिद्धू को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू को लेकर अमित शाह मोदी की तस्वीरें वायरल हुई है। सनी देओल और भाजपाइयों के साथ कितने करीबी रिश्ते हैं और किसान एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने में
किस तरह का किरदार अदा किया गया, इस पर भी बहस मुबहसे हो रहे हैं। सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर मोदी शाह के दीप सिद्धू कितने करीब है, क्योंकि वजीर आजम से मिलना और इनसे तस्वीर निकालना मामूली इंसान के बस की बात तो है भी नहीं। जब बेलगाम में ही वजीर दाखला यानी गृह मंत्री आए थे तो भाजपा के करीबी लीडरों को तक गृह मंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा था, यानी किस कदर अहम शख्सियतों में दीप सिद्धू का शुमार होगा इसी पर अंदाजा लगाया जा सकता है। लिहाजा 26 जनवरी के दिन एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील करना और लाल किले पर परचम लहराना किसी साजिश के तहत किसान एहतजाज को नाकाम करने की जबरदस्त साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक 200 से भी ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 फरवरी को संसद को घेराव करने का ऐलान किया गया था, जिसे अब मुलतवी किया गया। एहतजाजी और पुलिस मुकमा दोनों जख्मी होने की इत्तला हासिल हुई। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 26 जनवरी के दिन हुए तशद्दुद से देश की गरिमा कितनी कलंकित हुई, बल्कि देश के अन्नदाताओं के खिलाफ बनाए मनमानी कानूनों के साथ जो मनमानी कारोबार करने की आदत मरकजी हुकूमत को पड़ी हुई है, इस पर कैसे रोक लगा दिया जाएगा। जब से मोदी हुकूमत इक्तदार पजीर हुई है, किसी न किसी तरह देश की तस्वीर को कलंकित करने की वारदातें होती जा रही। अब महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच गया है, नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, सीए, लॉकडाउन, किसान बिल, आखिर देश को किस दिशा में मोदी हुकूमत ले जाना चाहती है, ऐसा आवाम का सवाल है। क्या इस तरह देश विश्वगुरु बनेगा? जो भी हो, पर मोदी हुकूमत के साथ अंधभक्तों को भी सोचना होगा कि देश में अराजकता देश को कमजोरी बना सकती है, विश्वगुरु नहीं। अब मकामी खबरों की तरफ एक नजर। बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र कर्नाटक तनाजा शिद्दत इख्तियार करने के कगार पर दिखाई दे रहा। महाराष्ट्र में आज बेलगाम शहर को लेकर किताब का रस्म इजरा किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के वजीर आला ने एक बार फिर कहा कि बेलगाम शहर पर कर्नाटक ने कब्जा किया हुआ, जबकि यहाँ अक्सरियत मराठी बोलने वाले लोग हैं, लिहाजा बेलगाम को महाराष्ट्र में शामिल करना ही मकसद है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद संघर्ष और संकल्प के नाम से किताब लिखी गई है, जिसका रस्म इजरा करते हुए कर्नाटक हुकूमत के जुल्म ज्यादती की कहानी भी बयान की गई। उन्होंने ये भी कहा कि बेलगाम कारवार निप्पानी को केंद्र शासित के तौर पर दर्ज किया जाए। इस वक्त साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, संजय राउत, बाला साहेब थोराट और दिगर लीडरान मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने बेलगाम में सरगर्म एमईएस का जिक्र करते हुए कहा कि अपने मुफाद के लिए बेलगाम के एमईएस यानी महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लीडरों ने इस तहरीक को कमजोर कर दिया। आपसे इख्तलाफात और मुफाद परस्ती ने तहरीक को दो टुकड़ों में बांट दिया, पहले कांग्रेस के और अब भाजपा कायद बने बेलगाम जिला वजीर रमेश जारकिहोली ने किताब के रस्म इजरा पर अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि बेलगाम में अब कन्नड़ मराठी कोई तफरका नहीं है, शिवसेना अब अपनी मकबूलियत खो चुकी है, नफरत और तशद्दुद की सियासत करने के लिए बेलगाम की तरफ जानबूझकर तवज्जो दी जा रही है, इसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं, ऐसा भी कहा। खैर, अब सवाल यही उठता है कि आखिर अब शिवसेना को या ठाकरे परिवार को बेलगाम की याद कैसे है, या आखिर इसके पीछे क्या सियासत है, बेलगाम को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों है, जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में शिवसेना की हिमायत एमईएस को या खुद शिवसेना हिस्सा ले सकती है, अगर ऐसा होता है तो बेलगाम एक बार फिर एक नया मोड़ बेलगाम सियासत को आ सकता है। जो भी हो, इतना जरूर है कि बेलगाम में कन्नड़ मराठी तनाजे को सियासी मुफाद के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी का आंकड़ा तो हर रोज बढ़ते ही जा रहा है। अक्सर देखने सुनने में मिल रहा है कि कर्ज अदा नहीं किए जा रहे, अमीर साहूकारों का जुल्म भी बढ़ रहा है, क्योंकि गरीब इन्हीं साहूकारों से कर्ज लेते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीना गरीब के लिए दुश्वार हो रहा है। लिहाजा इसी के मद्देनजर खुदकुशी करने वालों की वारदातों में इजाफा हो रहा है। दरअसल इंसान को समझ लेना चाहिए कि खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है, पर इंसान इस कदर मायूस हो जाता है कि मौत को गले लगा लेता है। हर एक को इसका एहसास जरूरी है कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ है, तकलीफ के बाद राहत कानून कुदरत है, मुश्किलें इसलिए आती है क्योंकि इसके बाद सुकून और इत्मीनान का आना तय है। जिंदगी खुदा की दिव्य नियामत है और अपने वक्त पर अल्लाह ही अपनी तरफ बुला लेता है, इसलिए खुदकुशी हराम है। इसके बावजूद भी खुदकुशी की वारदातें बढ़ रही है। बेलगाम जिला के रायबाग भिड़ी के करीब रेल के नीचे झोंक कर 4 लोगों ने एक साथ खुदकुशी की। हासिल इत्तला के मुताबिक एक ही घर के 4 लोगों ने कर्ज की अदायगी मुमकिन ना होने से खुदकुशी का रास्ता इख्तियार किया। नौजवान 2 बच्चों के साथ माँ बाप का इस कदर कट कर मरना दिल दहला देने वाला वाकया रहा। मरने वालों के नाम सातप्पा सुतार उम्र 60, महादेवी सुतार उम्र 50, संतोष उम्र 26 और दत्तात्रेय उम्र 28 है। इनके इस मौत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है।
कांग्रेस अखिलेती मोर्चा की जानिब से ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तल्लुक से तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल करने वाले स्वामी पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वाज़ह रहे कि एक स्वामी ने मुसलमानों के सूफी संत जिन्हें तमाम मजहब के लोग अकायद रखते हैं इन पर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिससे मुस्लिम समाज के जज्बात को ठेस पहुँचे। लिहाजा बेलगाम डीसी के जरिए मुतालबा पेश करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। इस वक्त बेलगाम रूरल अखिलेती मोर्चा के चेयरमैन जनाब इमरान तबकीर, मूसा गौरी खान, नवीद जमादार और दिगर जिम्मेदार मौजूद थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।